सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। आवेशम इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की जालसाजी करने वाले व्यक्ति को वाराणसी पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 82 से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शुक्रवार को DCP वरुण आदित्य लांगहे ने कैंट थाने में इस संबंध में जानकारी दी। बता दी कि पकड़े गए अभियुक्त ने एक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को 5 साल में धन दोगुना करने का ख्वाब दिखाया था और रातों रात करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए अभियुक्त को पूछताछ के बाद जेल भेजने की तैयारी कर रही है। तो वहीं इस संबंध में DCP वरुण आदित्य लांगहे ने बताया कि साल 2020 में 5 और 2022 में एक मुकदमा अवेशम इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रबंधक के विरुद्ध कैंट थाने में जालसाजी कर करोड़ों रुपए हड़पने को लेकर दर्ज हुआ था, जिसके बाद वाराणसी कमिश्नर पुलिस अभियुक्त राजेश कुमार वर्मा की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। वाराणसी से बबलू चौरसिया की रिपोर्ट। तो इस पूरे प्रकरण में जो पूरा जो पैसा लोगों से इकट्ठा कर करके इन्होंने लगभग 100 करोड़ जो लोगों से इकट्ठे किए थे, उसमें से जो गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है वो 8.5 करोड़ की हो चुकी है। कुर्ती लगभग 28 करोड़ जो थे इनका, जो ऑलरेडी इन्होंने आगे पीछे घूम घूम के आगे पीछे होटलों में और अपने शौक के लिए इन्होंने लोगों का जो पैसा था वो सारा इन्होंने खर्च कर दिया हुआ है। लेकिन जो आगे पीछे से इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो उठाया था लोगों से पैसा, इसमें आगे जो हमारा गोरखपुर वाली साइड हो गई, भदोही हो गया, कानपुर हो गया, इवन बिहार में भी इन्होंने ज़मीनें काफ़ी खरीदी हुई हैं, छपरा जैसे हो गया। तो इस पूरे प्रकरण में ये हमारा ये वाला वांछित था, इसकी गिरफ्तारी हो गई है, गैंगस्टर की कार्रवाई कर देंगे। बाकी जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी लोकेशन हम लोग ट्रेस कर रहे हैं इससे पूछताछ करके, और जिनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं वो भी हम लोगों ने नोट कर लिए, तो हम लोग इसमें जल्दी आगे गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा कट वेज सर, कट वेज हो रहा है, करते रहिए हम लोग उसको करते। तो इसमें हमारा एक इसमें टोटल 12 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये 2020 से बेसिकली पुलिस की नॉलेज में आए थे कि छोटे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों से जो पैसे लिए जा रहे थे। लगभग 12 मुकदमे हमारे यहाँ पे लिखे गए हैं। 12 मुकदमों में 18 अभियुक्त हैं। 18 अभियुक्तों में से ऑलरेडी जो अरेस्टेड हैं, गिरफ्तार हैं,